हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज हमारा सी में टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था, आज हम पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे प्रॉपर कैसे वर्क ये परफॉर्म करता है। तो कॉल बाय रेफरेंस की अगर हम बात करें डेफिनेशन में, हेयर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर रेफर टू सेम मेमोरी लोकेशन। इसका मीनिंग ये बोल रहा है, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और जो रेफरेंस पैरामीटर होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, हमारे एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। देयरफोर एनी चेंजेस मेड ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, जो भी हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंजेस हो जाएगा। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करेंगे तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंजेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं तो क्या कह रहा है, हेयर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर रेफर टू सेम मेमोरी लोकेशन। अगर हम मेमोरी लोकेशन की बात करें, जैसे मान लो ये ए एंड बी है, मैंने कोई फंक्शन कॉल करा है, फंक्शन इसमें क्योंकि हम लोग फंक्शन के अंदर एड्रेस देते हैं, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी देते हैं। इनिशियली मैंने कोई भी वैल्यू दी है, तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे, इंटीजर ऑफ फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो यहां पर हम लोग लेते हैं इंटीजर स्टार ऑफ एक्स, इंटीजर स्टार ऑफ वाई। यहां पर हमने पॉइंटर वेरिएबल इसमें दे दिया, ये पॉइंटर डिफाइन करता है। इसका मीनिंग ये है कि ए का जो एड्रेस होगा, मान लो यहां पर 10 वैल्यू मैंने दिया और इसका एड्रेस है 1001 और ये है 1002, तो ये 20 वैल्यू है बी की वैल्यू। तो उस कंडीशन में जो क्या होगा, ये एड्रेस यानी जो एक्स और वाई के अंदर जो वैल्यू आएगी, यानी अगर एक्स है और ये हमारा दूसरा वाई है, इनके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1001 एंड 1002। एड्रेस जो होगा वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। अब अगर हम यहां पर कोई चेंजेस करते हैं, मान लो मैंने यहां पर लिखा x इक्वल टू 30 बना दिया और स्टार ऑफ y इक्वल टू मैंने 50 कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x जिस एड्रेस पे है उसकी वैल्यू को वो चेंज कर देगा 30, यानी जो x का एड्रेस था वो किसको कॉल कर रहा था, इस वाले को, इस वाले की वैल्यू जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी यहां 30, और जो y के जो एड्रेस की वैल्यू थी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी किसमें, 50 में। और ये हमारा जो हो जाएगा, अब हमारा जो मेमोरी के अंदर जो 10 और 20 था वो चेंज होके जो हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 30 एंड 50। तो यहां पर क्या होता है, दोनों वैल्यू जो होती हैं एक्चुअल पैरामीटर की बोले या फॉर्मल पैरामीटर जो होते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। यानी अगर रेफरेंस पैरामीटर में अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कोई चेंजेस करें, तो वो जो रिटर्न करता है वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो ये है आपका कॉल बाय रेफरेंस का। अगर आप इसका प्रॉपर एक प्रोग्राम देखना चाहते हैं, प्रोग्राम के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए, इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 ले लिया। इसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन इसके अंदर एड्रेस ऑफ ए दिया है एंड एड्रेस ऑफ बी दे दिया, ठीक। इसके बाद हम कॉल करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन बताते हैं। तो इंटीजर, मैंने यहां पर एक फंक्शन लिया है जो हमारा इंटीजर पॉइंटर ऑफ एक्स एंड इंटीजर पॉइंटर ऑफ वाई, मैंने दो पैरामीटर ले लिए जो क्या कर रहे हैं, ए की एड्रेस जो है वो एक्स के अंदर स्टोर हो जा रहा है, बी का एड्रेस जो है वो वाई के अंदर चला जा रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इस जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें प्रॉपर स्टार ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कर दी है यहां पर 30 कर दी है, और स्टार ऑफ वाई की वैल्यू जो कर दी है वो कर दी है 50, यानी जो पॉइंटर वैल्यू है वो चेंज हो गई है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो उस समय अगर हम मेमोरी में देखें तो ये ए है, ए की वैल्यू 10 है और ये बी कितनी है, 20 है। हम लेट करते हैं कि इसका एड्रेस 1001 है, ये एड्रेस है 1002। तो जब हमने कॉल किया है, फंक्शन को कॉल करें एड्रेस के थ्रू, तो यानी ये पैरामीटर को नहीं कॉल करा है, किसको करा है, उसके एड्रेस को। तो जब हम रेफरेंस वेरिएबल की बात करेंगे यानी फॉर्मल पैरामीटर की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में एक्स और वाई के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, एक्स एंड वाई के अंदर जो स्टोर होगा वो होगा हमारा ए एंड बी का एड्रेस, क्योंकि हम जब इसको कॉलिंग कराएंगे तो ये इससे कॉल होगा और ये वाले पैरामीटर से कॉल होगा। उस कंडीशन में दोनों एड्रेस को ले रहे हैं, तो ए का एड्रेस जो होगा वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1001, और बी वाई का एड्रेस जो वाई में जो हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा बी का एड्रेस, यानी 1002 जो होगा वो वाई में स्टोर हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई। इसके बाद अब हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं। स्टार जो होता है पॉइंटर वेरिएबल होता है, ये पॉइंटर हम आगे एक ट्यूटोरियल बनाएंगे इस पे प्रॉपर पॉइंटर कैसे वर्क करता है। पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस को कॉल करता है, एड्रेस को आपने कुछ भी एक्सेस करना है, जो भी करना है वो पॉइंटर के थ्रू ही हम लोग करते हैं। तो जैसे हमारे पॉइंटर ऑफ एक्स, पॉइंटर ऑफ एक्स का मतलब है एक्स जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, एक्स जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू जो चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 30,
यानी x जो है पॉइंट किसको कर रहा है, x पॉइंट कर रहा है 1001 एड्रेस को, और 1001 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो 10 की जगह पे चेंज हो जाएगी 30, यानी ये वैल्यू जो चेंज हो जाएगी आपको 10 की जगह पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसी y जो है एड्रेस 1002 को क्या कर रहा है, 1002 को कॉल कर रहा है, यानी y जिस एड्रेस को कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी किस पे, 50 पे, यानी ये वैल्यू 20 से क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब अगर हम यहां पर प्रिंट कराते हैं, मान लो मैंने लिखा प्रिंट है परसेंट डी, ए इक्वल टू परसेंट डी लिख लेते हैं और बी इक्वल टू परसेंट डी। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे ए एंड बी को, तो उस कंडीशन में इनिशियल तो वैल्यू ए एंड बी की 10 एंड 20 थी, 10 एंड 20 हमने ले रखी थी, बट जब इसने रिटर्न किया फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारे क्या हो गए, फॉर्मल पैरामीटर ने जो है वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उस कंडीशन में जो आउटपुट आ जाएगा ए की वैल्यू अब 30 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी जो क्या हो जाएगी हमारी 50 हो जाएगी, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये था रेफरेंस। रेफरेंस में मतलब इसका मतलब होता है अगर आप फॉर्मल कंडीशन में कोई चेंजेस कर रहे हैं, जब डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को उस समय अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो जो वैल्यू चेंज होगी वही हमारा, अगर आप सिंपल वैल्यू में कॉल कराते हैं तो वही वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाती है। जबकि यही चीज हमने अगर कॉल बाय वैल्यू की बात करते थे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर मैं यहां पर कॉल बाय वैल्यू की बात करता तो उस कंडीशन में 10 और 20 हमारा आउटपुट आता है। तो यहां पर यह है रेफरेंस की कंडीशन, यानी इसका मेन पार्ट यही है कि सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं दोनों, कौन सा एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर, तो ये वही चीज हमें रिपीट करके दे देता है फाइनल में। तो ये था आपका कॉल बाय रेफरेंस की कंडीशन, और इसमें मेनली ये होता है कि ये एड्रेस को कॉल करता है। थैंक यू फ्रेंड। फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इससे भी बेटर आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सके। थैंक यू फ्रेंड।